गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट वन में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में बता चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए बनाया गया है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, अदर कोर ब्रांच में इसकी एप्लीकेशन क्या हैं और हम डेली लाइफ में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज टॉपिक नेम इज़ एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। जैसा कि हमने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कि डबल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डबल इंटीग्रेशन का साइन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से लेके 1/2x, सेकंड इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 2, फंक्शन दिया है फंक्शन ऑफ x, y dx। सबसे पहले हमें इसको x और y के रूप में सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जनरल एग्जाम्पल है, इसको हमने एक डबल इंटीग्रेशन में 100% कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, x की लिमिट आ गई 0 to 1/2x और y की लिमिट हो गई 0 to 2, फंक्शन हो गया हमारा 2x-3y dx/dy। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, फिजिक्स एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैलकुलेट इसमें हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर सरफेस z=1/y+2 एंड ओवर एरिया बाउंडेड y = x एंड y² + x = 2 ग्राफ्स। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट वॉल्यूम कंटिन्यू सेम एज बिफोर, फर्स्ट ब्रेक प्रॉब्लम अप इनटू लिटिल ब्लॉक्स dx dy dz ऑन अ साइड, राइट डाउन dv फॉर ईच ब्लॉक, dv = dx dy dz, सम ऑफ द dvs ओवर ऑल द लिटिल ब्लॉक्स, कैपिटल V इज डिफाइंड बाय वॉल्यूम = ∭dv = ∭dx dy dz। ठीक है, इस तरीके से हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन को वॉल्यूम के अंदर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मास एंड सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, मास क्या होता है इसको भी हम डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसकी कैलकुलेशन है, हमने एक इक्वेशन ली, उसको सॉल्व किया, उसमें लिमिट रखी डबल इंटीग्रेशन में, तो आपका मास आ गया 26 kg। उसके बाद हम इसके अंदर सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, ये सब हम फिजिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक्स और वाई का अलग अलग होता है, तो ये हो गया एक्स का फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, ये हो गया वाई के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, एक्स को सॉल्व किया तो आंसर आया 2.8 m और y की मास के सेंटर ऑफ मास का आंसर आएगा 3.8 m। उसके बाद हम मूवमेंट ऑफ इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर वेयर मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय ρ = 3x फाइंड अबाउट द सेंटर एक्सिस। उसके बाद हम मूवमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट मास अबाउट एन एक्सिस l = i = ml² इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है वॉल्यूम और सरफेस की। उसके बाद अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी वी कैन फाइंड इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, दिस इज एप्लीकेशन पार्ट। 2D रेक्टेंगुलर वर्सेस पोलर फॉर्म को भी फाइंड कर सकते हैं, ये इसकी इक्वेशंस हो गई। जब भी एक्स और वाई कार्टेशियन पॉइंट को आपको पोलर में बदलना होगा तो एक्स की जगह पे r cos θ और वाई की जगह पे r sin θ रखा जाता है, जब भी आपको किसी भी फंक्शन का वॉल्यूम या सरफेस निकालने को आता है। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल क्या है, से वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ ए सर्कुल प्लेट x² + y² = 3² वेट वर्सेस मास डेंसिटी। ठीक है, मेथड वन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, dm = ρ dx y। उसके बाद स्लाइस हॉरिजॉन्टल लेंगे, y की लिमिट हो गई -3 to +3, x की लिमिट हो गई -√9 - y² to √9 - y² सो द टोटल मास इज कैपिटल M इज डिनोटेड बाय टोटल मास। डबल इंटीग्रेशन dm, पहले हमने x की लिमिट रखी, फिर y की लिमिट रखी, उसके बाद अपने फंक्शन को उतारा, एक एक करके इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ऐसे करके हम अपने क्वेश्चन में किसी भी गिवन फंक्शन का टोटल मास निकाल सकते हैं यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। तो ये उसके डायग्राम है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज आपने जाना कि किस तरीके से डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन में मास, टोटल मास या वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।